फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा था कि या अल्लाह मुझसे मेरे जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूं कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। 12 साल बच्ची की एक ऐसी तकरीर कि जिसने तमाम सुनने और देखने वालों को भरता है दिया। जो भी इस तकरीर को सुनता है बस सुनता ही चला जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना कि माशरे के मसाइल को इतने खूबसूरत अंदाज में और ऐसे खूबसूरत अल्फाज में बयान करने की बेहतरीन काविश थी कि जिसको हर फॉरम पर बेहतरीन अंदाज से सराहा गया। अगर इसे स्टेज पर जगह मिली तो सुनने वालों ने तालियों और शोर शराबे का अजीब समा बना दिया, और जब वह तकरीर वहां से निकलकर सोशल मीडिया की दुनिया में आई तो इसने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। सोशल मीडिया पर वायरल ये लड़की और कोई नहीं बल्कि फैसलाबाद की मशहूर डिबेटर इंजल इफ्तखार है, जिसने मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन हाल में जिले इंतजामिया व महकमा एजुकेशन के जेर एहतमाम तकरीरी मुकाबले में अव्वल पोजिशन हासिल की। आप देख रहे हैं उर्दू नशियात, मैं हूँ अब्दुल रऊफ। अगर आप इस तकरीर को तहरीरी फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाबे आली। आज मुझे इस बज में ख्याल आराई के लिए बुलाया गया और इजहारे ख्याल का मौका दिया गया ताकि मैं इकबाल के इस शेर को बयान कर सकूं, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। तो सदरे जीवकार इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सकूत के आलम में मैं ये सोचने लगी, गूंगी हो गई आज जुबां कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे इमां कहते कहते। मेरे शेल्फ में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया जमी में कुरान कहते कहते। मैं गड़ गया जमी में कुरान कहते कहते। जनाबे आली, हमें सोचना होगा कि क्या आज सदाकत, अदालत और खासकर शुजात हमें जिंदा है। तो सदर अली वकार, चले बात करते हैं अदलिया की। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों के जमीर जिंदा है? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब से अदल का जनाजा निकाल चुकी। सदर अली वकार, ये सदाकत, अदालत और शुजात तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन अकवामे आलम ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया था। जनाबे आली, इकबाल का ये फलसफा तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन एक मुसलमान शामी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन एक मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा था कि या अल्लाह मुझसे मेरे जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूं कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। सदर अली वकार, ये सदाकत, अदालत और शुजात तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन उमरा और शुरफा की बेटियां इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश करती नजर आने लगी। सदर अली वकार, ये वही उमरा और रईस लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करते थे। आज इनकी बेटियां सोशल मीडिया पर रक्स करके लाइक्स इकट्ठे करना फैशन समझती हैं। जनाबे आली, आज हम इस जगत पर चल निकले हैं कि वायरल शुदा का एक ठुमका आपकी पीएचडी की डिग्री और रिसर्च की बैंड बजा सकता है। आज पीएचडी होल्डर हाथों में डिग्रियां तामे सड़कों के खाक चालते नजर आते हैं जबकि बेहया और बेहुदा लोग जुबाने जदे खासो आम है। जनाबे आली, आज हम मस्जिदों में सर कटाने के लिए तैयार हैं लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। आज हम हुर्मते नबी पर गुस्ताखे रसूल की जान लेने के लिए तैयार है लेकिन हुर्मते नबी में कलमाए हक कहने से डरते हैं। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो, तुमने जो बात सरे बज़्म ना सुनना चाहिए
मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो जनाब याली, ये वो देश है जहाँ लहलहाते खेतों से आज भी तक काकोर रोजी मुयसर नहीं। सदर याली वकार, मेरा हम वतन सदाकत अदालत और शुजात को सस्ते दामों बाजारे उसन में बेचकर और शमशीरों को बंदनियामों और ताकों में सजाकर नमाजे आज भी पढ़ता है, लेकिन शहर खेजी खो चुका है। न मुल्ला की वो अजा रही, न गाजियों जैसी शुजात रही, न मुजाहिद का गरम शोलाए लहू रहा। अकाबी शाह से छटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले, हुए मदफून दरिया जेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर कोहर निकले। सदर अली वकार, अब हमें इकबाल के फरमान सदाकत अदालत और शुजात को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सकें। जनाब अली, हमें कामयाबी के लिए काबों की नहीं ताबीर की जरूरत है, हमें रास्तों की नहीं मंजिल की जरूरत है, हमें मुआशरे में से गुर्बत को खत्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अदल और इंसाफ की जरूरत है। सदर अली वकार, हमें इरादों की नहीं बल्कि यकीन मोहकम और अमले बहम की जरूरत है। जब अपना काफिला अजमो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, लिबास से गैर ना होगा जब तन पे अपने, ना फिर कोई सांप आरती से निकलेगा, जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकी है वो आफ्ताब इसी सर जमी से निकलेगा।